Kheri's Kitchen, and today's video is all about a little bit inspired by Navratri season, although it is COVID situation. So I will highly suggest you all not to go out at all, not to intermingle with people, stay at home, celebrate the festival with your family members, eat healthy food and just do whatever the government is telling us to do. Please stay safe. And talking about the video, we are going to do a chana recipe for this, in which I have added a hidden ingredient which I am sure you would have known by now by the title of the video, but we are going to add that. And why are we specifically adding that ingredient into this recipe, I will only tell you when we are in the video, when while we are doing that, because it is a very important tip and a trick which you can utilize for other recipes of also for other recipes also. So let's get into the video and get started. रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी काला वाला चना लिया है और एक छोटी कटोरी मैंने ग्रीन मूंग की दाल ली है. आप देख सकते हैं जो कटोरी का जो साइज़ है वो इतना है. अगर आप बड़ी कटोरी लें तो आप बड़ी भी ले सकते हैं, बट ध्यान रहे जितना हम चना लेंगे उतना ही हम दाल लेंगे. इट हैज़ टू बी इन इक्वल क्वान्टिटीज़. उसके बाद मैंने इसको पानी से एक बार वॉश करके अच्छे से, फिर पानी भर कर मैंने इसको पूरी रात पानी में डूबे रहने दिया है. तो ये सोक होके ये कुछ इस तरीके से दिखेगी. आप चाहे तो आप सुबह भी पानी में भिगो के आप इसको रात को भी बना सकते हैं, या रात को भिगो के आप इसको सुबह बना सकते हैं. ये जो पानी रहेगा इसका, इसे हम फेंकेंगे नहीं. एंड अब हमें एक प्रेशर कुकर लेंगे. प्रेशर कुकर के अंदर हम उस पानी के साथ ही जो हमारे भीगे हुए जो चने और जो दाल हैं हम उसको डाल देंगे. पानी आप अंदाज़े से डाल सकते हैं, जैसे कि कुकर के अंदर देखिए जस्ट जो एक इंच ऊपर तक पानी रहे इतना हम इसके अंदर पानी रखेंगे. तो अगर आपका पानी थोड़ा कम हो तो आप एक इंच ऊपर तक इसके अंदर पानी डाल लीजिएगा. उसके बाद हम इसके अंदर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार. अगर आपको कम नमक पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं. अब इसको हम प्रेशर कुक करेंगे ऑलमोस्ट 4 whistles तक, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर. अगर आप 5 whistles लगाएंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा गल जाएगा, 3 लगाएंगे तो थोड़ा सा कम गलेगा. तो परफेक्ट वुड बी 4 whistles. जो गैस है उसको कम करके रखें, तो उसके ऊपर 4 सीटियाँ हमें इस कुकर को लगानी है. अब देखिए 4 सीटियों के बाद जो दाल है उसको, तब कुकर ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम खोलेंगे और कुछ इस तरीके से दिखेगा. इस चीज़ इस टाइम पे तब ये प्रेशर कुक हो रहा था तो मैंने हल्दी नहीं डाला है, तो इसलिए कलर इसका दाल और चने का मिक्स कलर है. एंड देखिए जो दाल है वो थोड़ी सी मूशी हो गई है, बट जो चने हैं वो थोड़े से फर्म है, बट वो अच्छे से गल गए हैं, तो हमें इसी टाइप से चाहिए. उसके बाद देखिए ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम तब इस रेसिपी को बनाएंगे उसके अंदर हमें ये सब चाहिएगा, जिसके नेम्स मैंने अभी जैसे जैसे हम रेसिपी में डालते जाएंगे मैंने लिख भी दिया है और मैं आपको बताती जाऊंगी. सबसे पहले हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया और उसके ऊपर हम ऑयल और बटर डालेंगे. यहाँ पर ऑयल मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, तो इसलिए मैंने बटर साथ में ही डाल दिया है, क्योंकि जो ऑलिव ऑयल होता है वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है, इसलिए जो बटर है वो जलेगा नहीं. बट अगर आप सरसों का तेल या आप कोई और वेजिटेबल ऑयल का यूज़ करें तो आप पहले तेल को अच्छे से गर्म होने दें, उसके बाद इसके अंदर बटर डालें तेल के अंदर, ताकि जो बटर है वो आपका जलेगा नहीं. तो एक बार ये गर्म हो गया है उसके बाद हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालना ऐड करेंगे. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे करी लीव्स डाली हैं. करी लीव्स को मैंने थोड़ा छोटा छोटा चॉप कर लिया है, बिकॉज़ मुझे करी लीव्स का फ्लेवर बहुत पसंद है, बट तब वो पूरे फॉर्म में होती है तो मैं उनको निकाल देती हूँ साइड में, बिकॉज़ आई वॉन्टेड टू ईट दैम, तो मैंने इसलिए छोटा करके डाला है. उसके बाद हम इसके अंदर अजवाइन सीड्स डालेंगे या कैरम सीड्स डालेंगे. अजवाइन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तब आप उसको चने के साथ या आप छोले के साथ उसको यूज़ करते हैं, तो मैंने इस रेसिपी में जीरा ना डाल के मैंने इसमें अजवाइन डाला. फिर हम इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ डालेंगे. अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ग्रीन चिलीज़ अवॉइड भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर स्लिट करके थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाला है. उसके बाद मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है. अगर आप अदरक लहसुन और प्याज नहीं डालते हैं तो आप इस स्टेप को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं. इस रेसिपी में वैसे भी मैंने प्याज का यूज़ नहीं करा है, तो अगर आप जैन हैं या आप नहीं खाते हैं अदरक लहसुन और प्याज, तो आप ये रेसिपी को परफेक्टली बना सकते हैं. तो ये जो अदरक लहसुन मैंने इस रेसिपी में डाला है उसको हम 1 मिनट तक सॉटे होने देंगे. उसके बाद जैसे वो ब्राउनिश हल्का सा हो गया उसके बाद मैंने इसमें टर्मरिक डाला है. टर्मरिक मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल रही हूँ ताकि वो जो एक वाइब्रेंट येलो सा जो कलर है वो हमारी रेसिपी में आए. एंड उसके बाद इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे, जैसे रेड चिली पाउडर हो गया. उसके बाद एक कोरिएंडर पाउडर या धनिया पाउडर डालेंगे हम, ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून या 2 टी स्पून. उसके बाद हम ये 1 टी स्पून गर्म मसाला पाउडर डालेंगे.
उसके बाद हम देखिए यहाँ पे मैंगो पाउडर या अमचूर पाउडर डाल रहे हैं, क्योंकि मैंने टमाटर नहीं डाला तो इसलिए थोड़ा सा मैंगो पाउडर, अगर आपके पास मैंगो पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हो, उससे एक बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा रेसिपी में। इसको हम सॉटे करेंगे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर या थोड़ा कम टाइम के लिए, ताकि मसाले जले ना। और उसके बाद हम इसके अंदर ये जो हमारे उबले हुए जो चने और जो दाल का जो मिक्सचर है उसको हम इसमें डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे है जो ट्रिक के जो मैंने इंट्रोडक्शन में अपने बात करी थी, जो दाल है वो धीरे धीरे अपना जो टेक्सचर है वो इस रेसिपी को दे देगी, एंड जो छोले हैं जो चने हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। तो ये जो अभी आप लिक्विडी ग्रेवी देख रहे हैं ये थिकन अप हो जाएगी, हम इसे 12 से 15 मिनट तक अभी पकाएंगे, और जो दाल है वो बिल्कुल इस रेसिपी को एक बॉडी और एक टेक्सचर देगी। तो वो अभी हम देखेंगे जैसे ही ये 12 से 15 मिनट तक कुक हो जाएगा। हमें इसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो आप इसको कवर भी कर सकते हैं, अदरवाइज 12 से 15 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे और फिर देखते हैं कि जो दाल है वो रेसिपी के साथ क्या करती है। तो देखिए 12 से 15 मिनट के बाद जो रेसिपी है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। जो दाल है वो बिल्कुल मिक्स हो गई है चने के साथ, आपको उसका फ्लेवर अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो मसाले हैं उन्होंने दाल को एक फ्लेवर दे दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, एंड इसको भी हम अभी 2 से 4 मिनट तक और पकाएंगे थोड़ा सा धनिया डालकर। एंड आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ, भटूरे के साथ या पूरियों के साथ, और ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट जाएगी नवरात्रि के लिए। एंड लोग आपसे पूछेंगे कि आपने किस तरीके से बनाया, तो प्लीज़ क्रिएट दिस रेसिपी। So guys, this was it for today's video and I hope you really enjoyed it. Please do not forget to hit the like button and hit the subscribe button, because your motivation and your support for my creations of these recipes gives me a lot of support and keeps me going to create such recipes for all of you and to share with all of you. So stay tuned and stay at home. Do not celebrate it outside the Navratri this season. Again and again, I would like to just, say it out loud that it is very, very important for all of us to act responsible and to be, stay at home. Just take all the precautions, whatever the government is, telling all of us to do so, because it is very much the need of the hour. So stay safe, stay happy and stay at home. Bye. I'll see you in my next video.